व्हाट एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। अभी मैं जो है सो आया हुआ हूँ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के कैंपस में टेरेस पे आया, और जो मेरे सामने का व्यू है ना डूड, वो देखो आप लोग। सो ये है फिलहाल व्यू टेरेस का, यूनिवर्सिटी कैंपस का। देख सकते हो ब्रो, ये जो बिल्डिंग्स देखेगा ना आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मूवीज में, सीनरीज में। तो अभी हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे। सो गाइस, अभी हम लोग बात करने वाले थिंग्स टू डू आफ्टर यू अराइव यूके, ठीक है। ये चीज़ें जो करना है आप लोगों को अपना यूके आने के बाद, वो बोलने वाला हूँ मैं। पहले आते कि एयरपोर्ट पर जो है सो सिम कार्ड ले लो, ठीक है। कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा आते की ले लेंगे तो। उसके बाद आप लोगों को करना है BRP कलेक्ट। BRP ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। ना जॉब मिलेंगी, ना कुछ आपका प्रूफ रहेगा यहाँ पे आने के बाद, कौन है आप बोले तो फिर BRP दिखाना पड़ता, तो वो बहुत ज़रूरी रहता है, वो उठा के रखना है। तो वो मिलता कैसा, आप लोगों को यहाँ आते कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनके पास रहेंगे, या फिर वो आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। ये जो है सो ना आपका जो फॉर्म रहता है यूके वीज़ा इमिग्रेशन फॉर्म, उसके ऊपर ही लिखा हुआ रहता है कि आपको कहाँ से वो मिलेगा बोल के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को BRP जो है सो घर पे रखना है मिलने के बाद। BRP ऐसी चीज़ है जो आपको जेब में रख के नहीं फिरना है, घूम गए तो बहुत मुश्किल होगा। उसकी एक फ़ोटो लेके भी रख लो आप लोग स्कैन करके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। वो जो है सो आपका यहाँ पे रहने का प्रूफ है, ठीक है। उसके ऊपर ही लिखा हुआ रहता है BRP के ऊपर कि आपका वीज़ा कब एक्सपायर होने वाला है, आप कौन से स्टेटस पे हो यहाँ पे, कितने घंटे काम कर सकते हो, सब उसके ऊपर ही लिखा हुआ रहता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको घर में उठा के रखो, ठीक है। और BRP आप लोगों को जो है तो ना कुछ केसेस में यहाँ पे आने के बाद 3-4 हफ्ते तक नहीं मिलता है। मेरे को नहीं मिला था 3 हफ्ते तक, मैं 3 हफ्ते तक बहुत मुश्किल हुई थी। तो बिना BRP के आप लोग काम भी नहीं कर सकते, तो मेरे 3 हफ्ते कैसा गुजरे मेरे को ही मालूम है। उसके बाद भाई BRP आप लोगों को जो है तो मिल गया एक बार, तो आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना है नेशनल इंश्योरेंस नंबर NI के लिए, अप्लाई आप लोगों को फ़ौरन कर देना है यहाँ पे आते कि, क्योंकि NI नंबर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग कहीं भी जॉब पे जाएंगे ना, तो वो आपका NI नंबर क्या है पूछेंगे, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वो लोग को नंबर चाहिए, ठीक है। बिकॉज वो नंबर के थ्रू ही आपको पैसे आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, वो सारे डिटेल्स गवर्नमेंट के पास रहेंगे। NI नंबर नहीं है तो बहुत मुश्किल होंगी आप लोगों को। लेकिन उसकी जगह आप लोग को जो है सो एक नंबर मिलता है, रेफरेंस नंबर रहता है। वो क्या काम में आता है, कहीं आप जॉब करने वाले हैं तो उनको वो बताइए भाई मेरा NI नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, वो नहीं आया, लेकिन ये रेफरेंस नंबर है, आप देख सकते हो ये रेफरेंस नंबर है, हमें बराबर के बता देना। ये रेफरेंस नंबर आप लोगों को जो है तो UK वीज़ा इमिग्रेशन जो फॉर्म रहता है उसके ऊपर मिल जाएगा, या फिर एक कोई फॉर्म रहता है भाई जब आप इंडिया से आते ना उसके ऊपर आप लोगों को वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो या फोटो आ रही होंगी, उसके थ्रू आपको NI की जॉब मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जल्द से जल्द NI नंबर मिल जाना चाहिए आपको। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रजिस्टर टू GP। GP क्या है मालूम, जनरल प्रैक्टिस। जैसे कि यहाँ पे अपने घरों के ने अपने कुछ भी हुआ तो अपन जो है तो सीधा जाते कहाँ पे, अपन क्लिनिक्स में जाते मेडिकल्स के लिए ना ब्रो। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे जो है तो GP के लिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। GP के लिए अप्लाई कर देंगे तो कुछ भी होगा अपने को सीधा जाना वहाँ पे, बता देना भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है सॉल्व करो। बेसिकली डॉक्टर है समझिए भाई वहाँ पे आपको एग्जामिन करने के लिए, आपको हुआ क्या बोल के, ओके। तो GP के लिए रजिस्टर करना बहुत ईजी है, जहाँ पे भी आप रह रहे आपके एरिया के आसपास जनरल प्रैक्टिस GP जो भी है, सॉरी जनरल प्रैक्टिस फुल फॉर्म है GP का, तो GP कहाँ है सर्च कर लीजिए, वहाँ जाइए मेरे को रजिस्टर करना है, मैं नया बंदा हूँ यहाँ पे बोलिए, वो आप लोगों को रजिस्टर कर देंगे। कुछ भी नहीं, बहुत ईजी रहता है, सीधा जाइए वो लोग ही आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन दे देंगे कैसा आप लोग जो है सो रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं बैंक अकाउंट कैसा खोलना। अब आपके ने BRP नहीं है, आपके ने जो है सो प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, तो बैंक अकाउंट कैसा खोलेंगे, बिना उसके तो बैंक अकाउंट खुलेगा ही नहीं। प्रूफ ऑफ एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस कैसा मिलता, वो मेरे को इतना मुश्किल हुआ मालूम करने में, आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, बस ये दिमाग में अच्छे से रख लो। आप लोगों का जो कॉलेज रहता है ना यूनिवर्सिटी, उनको जाके बोलना मैं सो एंड सो प्लेस पे शिफ्ट हो चुका हूँ, वहाँ पे रह रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, प्लीज़ आप जो है सो ये एड्रेस मेरे स्टूडेंट पोर्टल में अपलोड कर दीजिए। फिर उसके बाद उन्हें अपडेट करते कि वहाँ पे आप, या फिर आप करो बोलते अपडेट, आप अपडेट कर देना। उसके बाद स्टूडेंट स्टेटस लेटर अपना ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके इजीली निकाल ले सकते हो, या फिर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी में बोलिए, वो लोग निकाल के दे देंगे। स्टूडेंट स्टेटस लेटर पर आप लोगों का एड्रेस लिखा हुआ आता है, तो वो ही हो गया है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। उससे आप लोग जो है सो बैंक अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन वो इतना ईजिली नहीं खुलता है, आप लोगों को 1-2 हफ्ते रुकना पड़ता है। तो वो भी आप उससे पहले ही आपका अकाउंट आप खोलना चाहते हो तो आप फिजिकल अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन वर्चुअल अकाउंट खोल सकते हो, जैसे कि मोनजो बोल के है, मोनजो ईजिली ओपन हो जाता है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है तो भी, लेकिन नहीं है तो भी ओपन हो जाएगा विथ रेफरेंस नंबर जो रहता है ना भाई आप लोगों के फॉर्म में, जो मैं बोला आप लोगों को,
वो नंबर आप लोग ऑनलाइन अपलोड कर देना, ऑनलाइन बैंक ओपन करने का एक ऐप है जिससे आप लोग पैसे यूज़ कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। बॉन्जो वर्चुअल बैंक है, उसमें पैसे डालना भी ईजी है, बस पोस्ट ऑफिस चल जाना, पोस्ट ऑफिस पर जाके बोलना भाई देखो ये पैसे है मेरे को इसमें डालना है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा वर्चुअल बैंक अकाउंट है, इसमें डाल दो, तो वो लोग उसमें डाल देंगे। आप लोगों को डेबिट कार्ड भी मिलेगा उसमें, ठीक है, टैप करना, पैसे पे कर देना, बहुत सिंपल टू ईजी टू यूज़ रहेगा वो। उसमें आपको जो है सो प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं पूछेगा, बट इजी क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके लिए वो टाइम पे अवेलेबल रहेंगे, आप लोग वो प्रोवाइड कर सकोगे वैसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सब्सक्राइब करना होगा ये चैनल को, मुश यूट्यूब लाइफस्टाइल, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस, आई मीन टू से इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं DVLA। DVLA क्या है मालूम, ये प्रोफेशनल लाइसेंस है, आज तक ही फ़ौरन अप्लाई करना है इसको, भी देर नहीं करना, ये अप्लाई कर दिए बोले तो ये जो है सो एक प्रूफ हो गया, लाइक BRB कैसा है वैसा ये आधा प्रूफ है समझो। आई मीन टू से हर जगह आप लोगों को पूछते, आधे से आधे जॉबों पे आपके ने DVLA है क्या पूछते, कि बहुत बेहतरीन एक आपका प्रूफ है, आईडी कार्ड आइडेंटिटी है आपका एक, वो तो उसके लिए भी अप्लाई करना बहुत काम में आएगा। खाता जम जा रहे आखिरी बुरी तरीके से, ठीक है। फाइनल चीज़ बची हुई है ब्रो, वो है आपका बैंक अकाउंट कैसा ओपन करे। कौन सा बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल बैंक अकाउंट जिसमें आप लोग जा सकते जाके ओपन कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लॉर्ड्स है, बार्कलेस है, और भी बहुत सारे बैंक अकाउंट्स है जो फिजिकल बैंक अकाउंट है, वो ओपन करने के लिए आपको 2 हफ्ते के 3 हफ्ते हो जाएंगे ये सब अप्लाई करने के बाद, जो जो चीज़ें बोला मैं आपको, जब तक आपको जो है सो स्टूडेंट स्टेटस लेटर भी मिल जाएगा। उसके बाद आप कोई भी बैंक में जाइए, जाके बताइए ये मेरा स्टूडेंट स्टेटस लेटर है, ये मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस है, इसके अंदर मेरे को अकाउंट खोलना है, वो इजीली अकाउंट खोल देंगे। तो ये जो है सो 1 महीने के अंदर फ्री बैठे हुए रहते, तो वो टाइम ये काम कर लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होंगी। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी।